नमस्कार, मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और चलते हैं खबरों की, बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर से जो कि राजधानी भोपाल से ही मिल रही है। तो बता दें आपको यहां पर कि भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब खबर दूंगा तो लाइन की नहीं पूरे पेज की दूंगा। और शिवराज संवेदनशील नेता है, साथ ही प्रदेश में वही रहेंगे सीएम। ये बात यहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपना बयान दिया है। तो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने प्रवास पर आज भोपाल पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जहां सुबह 7:30 बजे राजभवन जाकर राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की, तो वहीं सुबह 11 बजे सहकारिता मंत्री अरविंद भौरिया से भी मुलाकात हुई। और साथ ही 12 बजे जो है कृषि मंत्री कमल पटेल से उनके निवास पर उनको से पहुंचकर मुलाकात भी करेंगे। तो बता दें आपको कि आइए आपको सुनवाते हैं कि अरविंद भौरिया के निवास से निकलने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा मीडिया से। जब कंप्लीट न्यूज होगी तो पूरा पेज भर देंगे, अभी दो लाइन में काम चला। सर, सियासी मुलाकातों के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, विपक्ष निकाल रहा है, कई सारे सियासी मायने निकाले। देखिए, कोई मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है। इतनी विपरीत परिस्थिति में, जबकि प्रदेश में एक हिस्से में बहुत बाढ़ का प्रकोप था, उसमें बहुत साहसिक तरीके से मुख्यमंत्री जी ने नरोत्तम जी और जिस तरीके से काम किया है, लोगों की जान बचाई है, प्रशंसनीय है। मैं समझता हूँ कि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। और मैंने देखा कि उस दिन रात भर में संवेदनशील बाहर आई थी। हमारे लिए बहुत ही बात है कि इसे संवेदनशील मुख्यमंत्री को। तो बता दें आपको कि इसके अलावा वे दोपहर 3 बजे मंत्री गौरीशंकर सेजवार से उनके निवास पर मुलाकात करने जाएंगे। तो शाम को 4 बजे प्रांत संघ चालक अशोक पांडे के निवास पर वे पहुंचेंगे। तो वहीं शाम 5 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री मंत्री इंद्र सिंह परमार के निवास जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही लॉ कक्ष में शाम 7 बजे विधानसभा भवन में भुट्टा पार्टी में शामिल भी होंगे। बता दें आपको पिछले 3 सालों से भुट्टा पार्टी नहीं हुई है और कैलाश विजयवर्गीय भुट्टा पार्टी के लिए मशहूर माने जाते हैं, लेकिन 3 साल से ये पार्टी नहीं हुई थी। तो आज शाम विधानसभा पहुंचेंगे कैलाश विजयवर्गीय। इसी बीच एक और खबर।